अधिक भार होने की वजह से, खासकर जैसे जीएस में अधिक भार होते हैं, तो इस वजह से हेलिकल स्प्रिंग की बजाय एयर स्प्रिंग का प्रयोग किया जाने लगा है। एयर स्प्रिंग जो है दबाव को कम करता है और हेलिकल स्प्रिंग के बजाय एयर स्प्रिंग अधिक भार को टानता है। तो ये एयर स्प्रिंग जो होते हैं, बाहर से ये टायर देख ले हैं, अंदर में तीन परत में ट्यूब होते हैं, तो ये एयर स्प्रिंग में जब भी कोई खराबी आती है तो उसके समय फिर क्या कार्रवाई करने हैं। ये एयर स्प्रिंग जब भी कोई खराबी होगी, देखिए एयर स्प्रिंग कई पाइप से जुड़े हुए हैं, देखिए इधर देखिए अंदर में ये पाइप से लगा हुआ है, ये देखिए पाइप, ये पाइप हो सकता है इसका पाइप ये डिस्कनेक्ट हो जाए, या इसमें हवा जाना बंद हो जाए किसी कारणवश, या ये फट जाए, पंचर हो जाए, किसी भी कारण से ये खराब हो जाए, ऐसे स्थिति में क्या होगा, ये एयर स्प्रिंग कीवा से जुड़ा हुआ है। इसका नाम है फेलियर इंडिकेशन ब्रेक एप्लीकेशन, फेलियर इंडिकेशन ब्रेक एप्लीकेशन नाम है। देखिए ये कनेक्शन जो है, ये पहला वाला जो एयर स्प्रिंग है, इसका कनेक्शन फिट ब्रांच फिट पाइप के आइसोलेटिंग कॉक बीच में लगे हुए हैं उससे जुड़ा हुआ है, और दूसरा ये जो पाइप है नेक्स्ट उस तरफ जो है लगा हुआ एयर स्प्रिंग उससे कनेक्शन है, उसमें देखिए ये आइसोलेटिंग कॉक लगा हुआ है, यानी ये इधर वाले एयर स्प्रिंग के लिए है आइसोलेटिंग कॉक जो फिट पाइप से जुड़ा हुआ है, और ये उधर वाले एयर स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है फिट पाइप ब्रांच पाइप जिसका आइसोलेटिंग कॉक है। तो जब भी उसमें खराबी आती है एयर स्प्रिंग में, तब ये फीवा में फिशिंग की आवाज़ आती है, फेलियर इंडिकेशन ब्रेक एप्लीकेशन में फिशिंग की आवाज़ आती है, और ये इंडिकेटर है, एयर स्प्रिंग का इंडिकेटर है, ये अभी हरा देख रहे हैं यानी वो सही है, अगर उसमें कोई ख़राबी आ जाती है तो ये लाल हो जाता है, ऐसे स्थिति में ये लाल हो जाएंगे और इसमें फिशिंग की आवाज़ आती है, तो हमें आइसोलेट करना है। आइसोलेट कैसे करेंगे, ये देख रहे हैं, इसको घुमा देंगे, आइसोलेटिंग कॉक को घुमा देंगे, फिट पाइप का आइसोलेटिंग कॉक है, इसको घुमा देंगे और इसको भी घुमा देंगे, फिट पाइप का आइसोलेटिंग कॉक इसको भी घुमा देंगे, और देखिए इसका कनेक्शन एक जगह और है, फिट पाइप का आइसोलेटिंग कॉक देखिए कहाँ पर कनेक्शन है, ये देखिए ये लाल वाला, ये फिट पाइप, ये दोनों जो फिट पाइप का आइसोलेटिंग कॉक है आगे उससे एक कॉमन कनेक्शन, तो इसको भी घुमाकर आइसोलेट कर देना है, ये तीन को कर दिए आइसोलेट फिट पाइप का, और चौथा देखिए, चौथा दिखाइए यहाँ पर, ये फीवा से जुड़ा हुआ है, ब्रेक पाइप से लगा हुआ आइसोलेटिंग कॉक है, ब्रेक पाइप से ब्रांच पाइप, ये ब्रेक पाइप आया है उसका ये आइसोलेटिंग कॉक है, इसको भी आइसोलेट कर देंगे, इसको आइसोलेट कर दिए, यानी एक ब्रेक पाइप जो फीवा से जुड़ा हुआ है उसको आइसोलेट कर दिए हैं, और तीन फीट पाइप से जुड़ा हुआ आइसोलेटिंग कॉक को आइसोलेट कर दिए, और उसके बाद गाड़ी की गति जो हो जाएगी 60 km/h से, यानी एयर स्प्रिंग में खराबी होने से, एयर स्प्रिंग के पंचर होने से गाड़ी की गति अधिकतम 60 km/h हो जाएगी, ऐसे स्थिति में गाड़ी की स्पीड 60 km/h से चलाएंगे, अगले जहां पर टीएक्सआर अटेंड होगा फिर इसको सही किया जाएगा और उसके अनुसार फिटनेस दिया जाएगा।